पान सिंह तोमर एक ऐसा नाम जिसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी देश की सेवा में लगा दी, जिसका नाम लेकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो लोग पान सिंह को पूछते थे उससे नफरत करने लगे? वो पान सिंह जो कभी देश के लिए लड़ना चाहता था, देश के लोगों के अत्याय करने लगा। आखिर कैसे बना एक आर्मी ऑफिसर एक डकैत, कैसे बना देश का रक्षक देश का भक्षक? चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब हमारी आज की इस वीडियो में। 1 जनवरी 1932 को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के भिदौसा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था पान सिंह तोमर। पान सिंह के पिता का नाम ईश्वरी सिंह था, जो कि अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती बाड़ी का काम किया करते थे। लेकिन इस जमीन के जरिए पूरे परिवार का पेट पालना बड़ा मुश्किल था। उन दिनों में लोगों के पास दो ही चॉइस थी, या तो किसी की जमीन पर किसान का काम किया जाए या फिर सेना में भर्ती हो जाओ। ऐसे में पान सिंह को पता था कि जो जमीन उसके परिवार के पास थी उससे उसके परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए पान सिंह ने सेना में भर्ती होने का फैसला किया। साल 1949 में पान सिंह तोमर को राजपूताना राइफल्स के सोल्जर के रूप में नौकरी पर रख लिया गया। फिर पान सिंह तोमर की एबिलिटी को देखते हुए बंगाल इंजीनियर्स रेजिमेंट में वारंट ऑफिसर बना दिया गया। उसकी पोस्टिंग रुड़की में की गई और यहीं से शुरू हुई पान सिंह तोमर की एक नई जिंदगी। पान सिंह आर्म्ड फोर्स को ज्वाइन करने के बाद आर्मी हेडक्वार्टर में ड्यूटी के पहले दिन ही लेट पहुंचे। इसके चलते उसे आर्मी ग्राउंड में 20 चक्कर दौड़ने की सजा मिली। सजा पाकर पान सिंह ने दौड़ना स्टार्ट किया, लेकिन पान सिंह तोमर को यह आइडिया नहीं था कि उसकी ये दौड़ उसकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। पान सिंह तोमर को दौड़ते हुए देखकर वहां खड़े स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर सरवन सिंह ने पान सिंह में छुपे उस टैलेंट को पहचान लिया, जिसे शायद कभी पान सिंह भी नहीं पहचान पाया था। सरवन सिंह खुद 1954 के एशियन गेम्स में 110 मीटर हर्डल रेस में गोल्ड मेडलिस्ट है। जैसे ही पान सिंह सरवन सिंह की नजर में आए, उसका ट्रांसफर स्पोर्ट्स विंग में कर दिया गया। इस दौरान पान सिंह को एक खास तरह की डाइट पर भी रखा गया। अपने स्पोर्ट्स करियर की शुरुआत के दौरान पान सिंह तोमर 400 मीटर और 800 मीटर की शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस किया करते थे, लेकिन बाद में सरवन सिंह और अपने ग्रुप कोच नरंजन सिंह के कहने पर उसने 3000 मीटर स्टिपल चेस दौड़ने का फैसला किया। अपने कैपेबिलिटी के दम पर पान सिंह तोमर ने बहुत ही कम समय में अपनी पहचान बना ली थी। उसने कई सारे नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन जीते। पान सिंह तोमर ने 88 डोमेस्टिक मेडल्स अपने नाम कर लिए थे और इसी दौरान वो 7 बार नेशनल स्टेबल चेस चैंपियन भी बने। इन सब रिकॉर्ड्स के बाद भी पान सिंह यही नहीं रुके और फिर उसने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे पूरे देश में उसको पहचान मिली। 1958 में सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हुए पान सिंह तोमर ने नेशनल गेम्स में 3000 मीटर स्टेपल चेस को 9 मिनट 12 सेकंड में कंप्लीट करके नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड ऐसा था कि इसे आगे आने वाले 10 सालों में भी कोई रेसर नहीं तोड़ पाया। इस रिकॉर्ड ने पान सिंह तोमर को आर्मी की ओर से स्प्रिंटर्स के बीच मशहूर कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि आर्मी यूनिट में पान सिंह तोमर एक रनिंग आइकॉन के रूप में पहचाने जाते थे। यहाँ तक कि हॉस्टल वार्डन नए एथलीट को उठाते वक्त कहा करते थे कि उठो उठो, तुम अभी तक सो रहे हो, देखो पान सिंह साहब तो सहारनपुर से दौड़कर भी आ गए। दरअसल सहारनपुर रुड़की आर्मी बेस से 45 किलोमीटर दूर मौजूद एक गांव है, जहां अक्सर पान सिंह तोमर दौड़ते हुए चले जाया करते थे। पान सिंह तोमर की प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और यही वजह रही कि पान सिंह तोमर को 1958 में हुए टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। हालांकि उस समय पान सिंह तोमर मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक पान सिंह मेडल ना जीतने के पीछे की असली वजह मॉडर्न स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की कमी थी। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जब पान सिंह तोमर हिंदुस्तान वापस आए, तब देश में युद्ध का माहौल था। उन दिनों 1962 में चीन इंडिया का वॉर चल रहा था और उसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध लड़ा गया। ऐसा कहा जाता है कि पान सिंह तोमर युद्ध में जाना चाहता था, लेकिन नेशनल स्पोर्ट ट्रेजर होने की वजह से उसे युद्ध में लड़ने का मौका नहीं दिया गया। इसके बाद साल 1977 में पान सिंह तोमर ने अपने कुछ पर्सनल रीजंस के चलते आर्मी से प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया और वापस अपने गांव बड़ौसा लौट गया। पान सिंह ने नौकरी इसलिए छोड़ी ताकि उसको घर पर रहने का मौका मिले, पर यहाँ पर पान सिंह के लिए एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल पान सिंह और उसके चाचा की कुल मिलाकर 2.5 बीघा जमीन थी, 1.25 बीघा पान सिंह की और 1.25 बीघा उसके चाचा की। चाचा को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने पूरे 2.5 बीघा जमीन को गांव के दबंग बाबू और जंडैल सिंह तोमर के पास गिरवी रखवा दिया। कुछ दिनों बाद बाबू सिंह तोमर ने पूरी जमीन पर कब्जा कर चाचा को खेती करने से मना कर दिया। इस वजह से पान सिंह तोमर ने पंचायत बुलाई। पंचायत ने फैसला सुनाया कि पान सिंह और उसका चाचा बाबू सिंह उसको पैसे चुकाएं और जमीन वापस ले लें। पान सिंह तैयार हो गया, लेकिन बाबू तोमर जमीन वापस करने के मूड में नहीं था।
पान सिंह पुलिस के पास गया तो पुलिस ने उल्टा उसी का मजाक बनाया। पान सिंह ने दरोगा को अपने देश के लिए जीते हुए मेडल तक दिखाए लेकिन उसने उसकी कोई कदर नहीं की। पान सिंह कलेक्टर के पास गया, कलेक्टर साहब गांव आए, उन्होंने वही फैसला किया जो पहले पंचायत कर चुकी थी। बाबू तोमर जमीन वापस करने के इरादे में नहीं था। उस जमीन पर चाचा ने जो खेती की थी बाबू ने उसमें सारी फसल में आग लगा दी। पान सिंह ने हिम्मत नहीं हारी, वो लगातार बड़े बड़े अफसरों के पास जाता रहा। बाबू तोमर और उसके परिवार के लोगों को पान सिंह की बात पसंद नहीं आई और उसने पान सिंह के घर जाकर उसकी बूढ़ी माँ पर बंदूक के बट से हमला कर माँ को घायल कर दिया। इन सब के बाद घायल माँ ने पान सिंह से टूटे हुए लफ्जों में कहा, तुझे पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। अगर सुबह होने से पहले तूने अपनी माँ से बदला नहीं दिया तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। माँ की कसम देते ही पान सिंह ने बंदूक उठाई। पान सिंह ने अगले दिन का सूरज निकलने से पहले 4 बजे के करीब बाबू तोमर के घर में घुसकर उसे गोली मार दी और अगली सुबह पान सिंह की माँ की भी मौत हो गई। इसके बाद पान सिंह ने बाबू के भाई चंडैल सिंह को और उसके रिश्तेदार लायक सिंह और हवलदार सिंह को भी मार दिया। इस वाक्य के बाद पान सिंह के पीछे पुलिस पड़ गई। पुलिस से बचने के लिए पान सिंह भागकर बीड़ पहुंच गया। बीड़ पहुंचने के कुछ दिनों बाद पान सिंह ने गैंग बना ली। इसके बाद पान सिंह ने बीहड़ में अमीर लोगों को लूटना और किडनैपिंग करना शुरू कर दिया। उसकी लूट, अपहरण और हत्याओं की वारदात की वजह से पूरे चंबल घाटी में उसका खौफ हो गया था। पुलिस उसे हर जगह ढूंढती फिर रही थी। फिर एक दिन पान सिंह अपनी गैंग के साथ भिंड के एक गांव में गुर्जर के घर पहुंचा, उसे खाना बनाने के लिए कहा। घर के मुखिया ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने बिना देरी के पान सिंह की गैंग पर हमला बोल दिया। हमले में पान सिंह का भाई माता दीन मारा गया लेकिन पान सिंह और बाकी गैंग वहां से बच के निकल गए थे। कुछ दिनों बाद पान सिंह को पता लगा कि गुर्जर ने उसकी सूचना पुलिस को दी थी। इस वजह से पान सिंह दोबारा उस गांव में गया और गुर्जर परिवार के 6 लोगों को एक साथ गोली मारकर वहीं पर ढेर कर दिया। उनको मारने के बाद पान सिंह ने लाउडस्पीकर से गांव में ऐलान किया कि सरकार और पुलिस को बता देना कि पान सिंह को पकड़ पाना उनकी औकात से बाहर है। इस हत्या की घटना से एमपी सरकार पूरी तरह से हिल गई और इस घटना से उस समय के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को बहुत दुख हुआ था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस दिवाली में दिए नहीं जलाऊंगा। अर्जुन सिंह ने पान सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हुक्म दे दिया था। उस वक्त पान सिंह को तलाशने के लिए अर्जुन सिंह सरकार ने 3 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए थे। पुलिस को कई नई तकनीक के हथियार भी दिलाए गए थे। पुलिस ने लोगों से कहा कि पान सिंह की खबर देने वाले को नौकरी दी जाएगी। लोग लालच में आ गए, पुलिस को पान सिंह की खबर देने को तैयार हो गए। अक्टूबर 1981 में पुलिस को जानकारी मिली कि पान सिंह 18 लोगों के साथ रतिया के पूरा नाम के गांव में बिना देरी किए पुलिस अपने 118 जवानों के साथ गांव पहुंच गई और पान सिंह की गैंग को चारों तरफ से घेर लिया। करीब 9 घंटे की मुठभेड़ के बाद पान सिंह मारा गया और इस तरह देश का एक जवान देश की पुलिस के हाथों ही मारा गया। दोस्तों, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, क्या लगता है आपको? अगर उस समय पान सिंह की मदद पुलिस ने कर दी होती तो क्या पान सिंह कभी नाकू बनता? हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।